50, बाकी भी आप लोगों को करना है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये थोड़ा टफ है इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। इसमें 40 क्वेश्चन में दिया हुआ है तीन समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल S1, S2 और S3 है, और श्रेणी का प्रथम पद 1 है, 1 है, सभी में तीनों में पहला पद 1 है, और सर्वांतर पहले पद का 1, इसका 2 और इसका 3 है, सर्वांतर तीनों के अलग अलग है। तो योगफल का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n बटे 2, 2 ए धन n बटे d। तो इस तरह से हम यहाँ पर योगफल में लिख लेते हैं, n बटे 2, a का मान 1 लिख लिया हमने, मतलब 2 बटे 1 2, धन n बटे 1, d का मान 1 हो गया, ठीक है। इस श्रेणी के लिए भी कर लेते हैं हम इसी तरह, n बटे 2, सूत्र एक ही बार लिख रही हूं मैं, Sn बराबर n बटे 2, a, a का मान 1 गुणे 2 गुणे 1, 2 धन n गुणे 1, d का मान 2, और इसके लिए भी इसी तरह से कर लेंगे, Sn बराबर n बटे 2, 2 धन n गुणे 1, d का मान है 3, ठीक हो गया। इसे सॉल्व कर लेते हैं सभी को, n बटे 2 ये क्या हो जाएगा, n ऋण 1 2 धन n ऋण 1, मतलब n धन 1, ठीक है। अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं, n बटे 2 n धन 1 से 1 नहीं रहने देते, ये किसका मान है, S1, n पदों का योग बोला है, S1 है तो S1 बराबर n बटे 2 n धन 1 लिख दिया हमने। इसी तरह क्या दिया हुआ है, S2, S2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम S2 ले लेते हैं, ठीक है। इसमें सॉल्व कर लेते हैं, n बटे 2, 2 धन 2 n ऋण 2, ठीक है, n बटे 2, 2 2 कट गया, 2 n आ गया, तो ये आ जाएगा 2 से 2 काट दे n का वर्ग, ठीक है, तो S2 बराबर n का वर्ग हो गया। इसी तरह इस श्रेणी के लिए n बटे 2, 2 धन 3n ऋण 3, n बटे 2, 3 में से 2 गया 1, तो 3n ऋण 1, ठीक है। अब इसे भी सॉल्व कर लीजिए, इतना ही रहने दीजिए, तो S3 बराबर 4 n बटे 2 3n ऋण 1। अब हमें सिद्ध क्या करना है, S1 धन S3 बराबर 2S2 होता है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है S1 धन S3 बराबर 2S2 होना चाहिए, तो हम पहले S1 धन S3 लेकर चलते हैं। S1 का मान ये है n बटे 2 n धन 1, और S3 का मान ये है n बटे 2 3n ऋण 1, दोनों को प्लस कर दीजिए, n बटे 2 वैल्यूज आ गया, यहाँ क्या बचा, n धन 1 और धन 3n ऋण 1। अब इसका मान भी निकाल लीजिए, क्या आएगा, 3n और 1 है 4n, और 1 और 1 कट गया, तो आया 4n, ठीक है। तो n बटे 2 गुणे 4n, 2 से ये कट गया, तो यहाँ पर आया हमारा 2 n का वर्ग, 2 n का वर्ग मतलब S3 का मान क्या बोल रहे हैं, 2S2, तो 2 n का वर्ग क्या है, बराबर है 2S2 सिद्ध हुआ, ठीक है। 2 n का वर्ग S2 है हमारे पास, n का वर्ग उससे 2 का गुणा करते तो 2S2, ये 2S2, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में 15 बताती हूँ, देखते हैं।